आज मैं एक कहानी लाई हूँ। कहानी का नाम है लालची मिठाई वाला। तो चलिए कहानी तक चलते हैं। दिनपुर गांव में सोहन नाम का हलवाई वाला रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गाँव में मशहूर थी। पूरा गाँव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाते थे। इससे मिठाई काफी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोहन के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया। अपने इसी लालच के चलते उसने एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहां से एक दो चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया जिसने सोहन के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को सोहन की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने सोहन को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे सोहन को काफी खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। सोहन ने उसे भी चुंबक लगा के तराजू से तौलकर जलेबी दे दी। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसने लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से बहुत कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन से दोबारा से जलेबी को तौलने के लिए कहा। रवि की बात सुनकर सोहन चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तौलता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहां से जाने के लिए कह दिया। सोहन मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहां से चला गया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तौलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तौली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अब उसका सब यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया कि सोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ी है। अब उसने तराजू के गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले की दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि अपने सभी गांव वाले के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों से कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तौलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तौली गई मिठाई इस तरह से तराजू में अपने आप ही कम हो जाती है। अपनी दुकान के पास यह सब होता देख सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि रवि यह सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को यहीं साबित करने के लिए रवि सीधे सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई लट हरकतों पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी और वादा भी किया कि भविष्य में वे ऐसी कभी भी जालसाजी नहीं करेगा। सोहन की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफी कम कर दिया था। इधर सोहन के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। कहानी से सीख दोस्तों, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही
कुछ समय के लिए अच्छा फायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, लालच कभी ना कीजिए, जो आपके पास है उसमें सुख रहिए। अल्लाह आपको बहुत कुछ दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई कहानी साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।